अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वावधान में भिलाई 3 पुलिस थाने में स्थित हनुमान मंदिर से सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज रामनवमी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल दुर्ग जिला से समस्त पदाधिकारीगण और प्रदेश लेवल के भी राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। यह कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के आयोजन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने खैरागढ़ का विशाल झांकी मंगाया है, रायपुर का अखाड़ा भी है और धमाल वगैरह सब है। और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है कि यह कार्यक्रम भयंकर विशाल रूप से निकाला जा रहा है और इसमें कार्यकर्ता आप देख ही सकते हैं कि सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता इसमें मौजूद है। और इस कार्यक्रम में हमारे भिलाई विधानसभा के पदाधिकारी, अहिवारा विधानसभा के पदाधिकारी और पाटन विधानसभा के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हुए हैं। इस रैली के माध्यम से यही कहना चाहते हैं हम कि हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ा विशाल मौका है और इसमें हिंदू समाज के लोगों को एकत्रित करने का हमारा एक प्रयास है। यह रैली भिलाई 3 के सिरसा गेट से होते हुए जनता स्कूल और भिलाई 3 के पूरे बाजार को घूमते हुए यह रैली निकाली जाएगी और वापस थाना में समापन किया जाएगा। उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, सामने हजारों के लोग तादाद में लोग हैं। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का दुर्ग जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम निखिल कुमार है। कुंदन फेकर जी जो हैं वो हमारे जिला महामंत्री हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के, तो उन्होंने इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है और भव्यता से जो है रामनवमी मनाने का निश्चय उन्होंने कई साल पहले से किया हुआ था और वो लगातार साल दर साल उसको निभाते आ रहे हैं और संख्या जो है आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है हर साल। और हम जैसे लोग भी, हम स्वयं भी बहुत उत्साहित हैं कि आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के। को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भिलाई चरौदा शहर में रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पूरे शहरवासी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।